हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और वो एनिमल कौन सा है? अमीबा। तो अमीबा में हम लोग यहाँ पे देखिए फिगर से सबसे पहले हम समझ लेंगे। जैसे जो अमीबा है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, एक ही सेल से बनी होती है। इट मीन्स इट हैज नो माउथ, इसकी बॉडी में कोई माउथ नहीं होता है। इट हैज नो एनस और नो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर भी ये क्या करता है? न्यूट्रिशन तो करेगा ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका अगर हम फूड देखें, जो फूड ऑफ द अमीबा होता है, क्या खाता है, तो जो अमीबा है वो क्या करेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ही, तो ये इसका जो फूड होता है वह भी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। मीन्स होगा क्या? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, डायटम्स, एल्गी एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ये इसका फूड है। और जो अमीबा होता है वो ऑमनी ओरस होता है, ओमनी ओमनी ओरस होता है। इट मींस इट फीड प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट, दोनों को खाता है, प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, इसलिए इसको ओमनी ओरस बोलते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, ये अमीबा दिखाया गया, यहां पे जो फूड हो गया ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, डायटम्स, एल्गी, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। यहां पे इसके पहले आपको बताया गया न्यूट्रिशन, और अब टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और अब थ्री टाइप, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ये पहले की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, जो वीडियो को पहले नहीं पढ़ चुके हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसका पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो अमीबा होता है उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। किस तरह का? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट हैज फॉलोइंग स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, एंड दीज स्टेप्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अमीबा है बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को एक साथ रखा गया है, क्योंकि बहुत ही शार्ट होता है ये दोनों। एंड लास्ट वन इजेशन। ये 5 स्टेप्स हैं किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पहले आपको बताया जा चुका है, इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड को बॉडी के अंदर पहुंचा लेना। फूड अगर हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर पहुंच जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहां पर जो अमीबा होता है कैसे, क्योंकि अमीबा हैज नो माउथ, अमीबा में कोई माउथ ही नहीं है, तो फिर कैसे ये पहुंचता है? तो इसकी जो बॉडी है उसके किसी भी पॉइंट से ये जो मेम्ब्रेन होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उस स्ट्रक्चर को, जो सेल मेम्ब्रेन है उस स्ट्रक्चर को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इट मीन्स अमीबा परफॉर्म स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ देयर फूड, अपने फूड को इनगल्फ कर लेता है। हियर प्रोसेस इज कॉल्ड इनगल्फिंग ऑफ द फूड बाय द अमीबा बाय परफॉर्मिंग स्यूडोपोडिया, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस क्या होती है? फैगोसाइटोसिस, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड बाय परफॉर्मिंग स्यूडोपोडिया बाय अमीबा, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होगा, फूड बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। सिंपली ऐसे ही आप समझिए, जब फूड अमीबा के बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा कि ये अपने मेम्ब्रेन, चूंकि मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो वो
इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फिर स्यूडोपोडिया जो होगा वो इतना कांटेक्ट में आ जाएगा कि आ करके ये जुड़ जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा फूड वैक्यूल, यानी फूड बैग, यानी फूड को मेम्ब्रेन पूरी तरह से कवर कर लेगी और फिर ये इन साइड में चला जाएगा और जो फूड होगा वह कहां पहुंच जाएगा, इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फूड चला जाएगा। फिर क्या होता है, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आपको पहले स्टेप में फैगोसाइटोसिस याद रखना है, स्यूडोपोडिया के परफॉर्म करने से ही बॉडी के अंदर ये मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचता है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, फूड का जो बड़े फूड होते हैं उनको छोटे फूड में तोड़ना, बड़े बड़े को छोटे फूड में तोड़ना ही क्या है डाइजेशन, मतलब इस फॉर्म में तोड़ देना जिससे बॉडी उसको यूटिलाइज कर ले जाए, तो वो प्रोसेस क्या है डाइजेशन। तो ये कैसे होता है, जब ये फूड वैक्यूल क्या होगा, जब फूड वैक्यूल अंदर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं लाइसोसोम, एंड दिस लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये आ करके मूव करता है टुवर्ड्स द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल की तरफ मूव करेगा और फाइनली क्या होता है, ये जा करके इसे फ्यूज हो जाता है और इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो फूड में जाके मिक्स हो जाते हैं और ये एंजाइम फूड को, जो इनडिफ्यूजेबल फूड है उसको डिफ्यूजेबल फूड में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन। एक चीज आपको यहां जानना है, जो डाइजेशन होता है दो तरह का, एक इंट्रा सेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस क्या होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन आर दोज विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, व्हाइल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर दोज विच टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल। तो हियर इन अमीबा व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, व्हिच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर, तो हियर इंट्रा सेलुलर, व्हाई, बिकॉज डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो अमीबा में जो किस तरह का डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर एंड वैकुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर एंड वैकुलर डाइजेशन, चूंकि वैकुअल के अंदर होता है इसलिए इसको वैकुलर डाइजेशन भी होते हैं, और चूंकि सेल के अंदर होता है इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, डाइजेशन में फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम इससे फ्यूज होकर के फूड वैक्यूल से और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फूड में मिलाता है और मिला करके क्या करेगा, मींस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदल देता है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगला जो स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। यहां पर आपको समझना है, जब यहां पर फूड फूड जो होगा ये डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। यही प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड मूव फ्रॉम फूड वैक्यूल टू द साइटोप्लाज्म थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। फिर एसिमिलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया कहां पर, साइटोप्लाज्म में, दिस फूड इज ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जरूरी है ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, यानी उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर लेना, यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है,
एसिमिलेशन, और लास्ट वन जो होता है इजेशन। इजेशन मींस होता है जो फूड अनडाइजेस्टेड, देखिए जितना फूड हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करता है, उसको खाता है, टोटल फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ फूड क्या होता है, नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। उस फूड को बॉडी से रिमूव करना होता है, और बॉडी को रिमूव मींस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इजेशन। तो यहाँ पर अमीबा में किस तरह से इजेशन होता है, बिकॉज अमीबा हैज नो एनस, मतलब उसके पास कोई एनस नहीं होती है, तो वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करेगा, अपने अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहां पर क्या होगा, जब ये एब्जॉर्प्शन के बाद पूरा जो फूड जो होगा वो चला जाएगा डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में, फिर ये जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है मींस फूड वैक्यूल जो है वो क्या होगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, एंड फाइनली क्या होगा, जाकर के फ्यूज हो जाएगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से, फिर लाइसिस होगी यानी मेम्ब्रेन टूट जाएगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से अमीबा में जो प्रोसेस है किसका, न्यूट्रिशन के जो स्टेप हैं पांच वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फैगोसाइटोसिस, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, क्या होता है, तो ये भी आपको बताया गया। इसके अलावा विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा, आपको याद रखना है होलोजोइक, जिस तरह से हम लोगों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसी तरह से इनमें क्या होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन होता है। तो ये आपको फिगर से पूरी तरह से फिगर भी याद रखना है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। थैंक यू।